बाद ये हमारी पहली जरूरी शॉपिंग है और मैंने खरीदा है सेल फोन। सऊदी में यूज करते थे आईफोन, यहाँ पर हम आ गए वन प्लस। ये वन प्लस नॉट, क्या है, नॉट टेन मिडनाइट आइस। तो मेरे लिए अब जो है सेल फोन चेंज करना ज़रूरी हो गया था पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं सऊदी में जो आईफोन टेन एस मैक्स यूज़ कर रहा था वो तब का था जब ये पाकिस्तान में लॉ निकल आया था ऑलरेडी कि आपको जो भी ओवरसीज सेल फोन पाकिस्तान में यूज़ करने हैं वो आप रजिस्टर होंगे पीटीए से और फिर उसके बाद कुछ सर्टिन फीस होती है उनकी, वो सब पे करके जो है फिर वो IMEI नंबर उसका रजिस्टर करेंगे अपने पास। तो जब मैंने यहाँ पर आने के बाद उसकी फ़ीस चेक करी तो उस पर यह था कि वो 49,000 उन्होंने मुझे बताया था इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं। तो 49,000 में अब ये सेल फोन मैं रजिस्टर करा था तो वो मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था। ऑलरेडी ये 2-2.5 साल यूज़ हुआ हुआ था, ऊपर से इसकी बैटरी हेल्थ भी 82 या 85 समथिंग ऐसी थी। तो अब मैं इसको 49,000 देके इसको रजिस्टर करा भी लेता तो इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा होती नहीं। तो इस वजह से जो है मैंने फैसला किया कि एक नया सेल फोन ले लिया जाए जो इससे कम रेट में भी पड़ जाएगा और उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो फिर मैंने वन प्लस का N10 लिया है, नॉर्ड N10 कम्प्लीट नेम है इसका, और ये मुझे 43,500 का कुछ ऐसा पड़ा। तो ये इसलिए फिर मैंने चेंज कर लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रा देखें इसकी लाइफ भी ज़्यादा ही होगी। और फिलहाल ये आईफोन से, तो हाँ ये कि आईफोन से जंप करके वन प्लस में आना ये वाकई पता लग रहा है, लेकिन अब ऐसा है कि ज़रूरी भी था ये। यहाँ पर तो पाकिस्तान में आईफोन बहुत कॉस्टली है, मेरे ख्याल से जो मुझे पसंद आता है आईफोन 12 प्रो मैक्स मेरे ख्याल से 2 लाख से ऊपर का है, तो ऑब्वियसली वो तो अभी जेब इजाज़त नहीं दे रही चीज़ की। और हम यहाँ पर आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यानी मोबाइल मार्केट असल में आ गए हैं, क्योंकि मेरे बाबा ने भी सेल फोन लिया था और वो जो है उस पर हम लोगों ने सोचा था कि एक साथ ही वो प्रोटेक्टर और बैक कवर वगैरह लगवा लेंगे। तो फिर हम यहाँ पर प्रोटेक्टर बैक कवर लगवाने आए थे और अगर हम लोग ये सब सऊदी से करते तो हमें 200 रियाल का तो खाली एक फ्रंट का जो है वो प्रोटेक्टर मिलता, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा टोटल 1,000 रुपये में माशाल्लाह दोनों सेल फोन के कवर और प्रोटेक्टर वगैरह लग गए, तो जो कि बहुत सस्ता पड़े, लेस देन यानी 35 रियाल समथिंग कुछ ऐसा पड़ा। और जब ये लोग गए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तो इन लोगों की नज़र पड़ गई फ्रिज वगैरह पे, तो ये कंपेयर करना चले गए दोबारा से कि एक दफ़ा जाकर भी देख लिया जाए। तो ये फ्रिज इनको मिला जो कि हमारे जो हमने फ्रिज खरीदा है सऊदी से जो अभी आने वाला है उससे एक मॉडल पुराना था और ये उससे महंगा था। तो बड़ी खुशी हुई देखकर कि चलो हम लोगों ने सस्ते में अच्छा सा ख़रीद लिया। और इस ये मॉडल जो हमने खरीदा वो तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है फिलहाल, तो ये मॉडल आ रहा है वो भी 1 साल पुराने वाला। तो हमारा जो है वो फ्रिज मतलब ला कर भी कार्गो पैसे दे कर भी टैक्स दे कर भी सस्ता पड़ रहा है एक मॉडल पीछे से। तो इसलिए हम लोग बड़ा खुश हुए थे इसको देख। और ये हमारा मूड था हनीफ के बर्गर खाने का, क्योंकि हमने काफ़ी जगह जो है वो यूट्यूब पे देखा था ब्लॉगिंग लोग कर रहे थे यहाँ पर आके, बहुत ही मशहूर बर्गर है ये। तो हमारा प्लान बहुत प्यारे से था कि हम लोग जब कराची जाएंगे तो हम उसी दिन खाएंगे उसी शाम खाएंगे, हमने बहुत प्लानिंग की हुई थी इसके बारे में, बट हुआ ये कि हम लोग को टाइम कुछ नहीं मिल पाया फ़ौरन जाकर। तो फाइनली ये आज गए हैं लेने के लिए बर्गर, मैंने गई थी क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे जाने का नहीं होता इस तरह से, औरतों का लाइन में खड़ा होने का नहीं होता, तो इसलिए जो है दानियाल लेकर आए थे, दानियाल और उनके बाबा। तो ये हमारा फिर शाम का जो था वो नाश्ता था एक तरह से समझ लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा शाम का नाश्ता था ये, तो फिलहाल तो मैं ही थी यहाँ पे जो कि खा रही थी बैठकर, क्योंकि दानियाल ने बोला था थोड़ी देर बाद खाऊंगा और चाय डाल के रखी हुई थी, बट इनका था कि मैं 5-10 मिनट बाद खाऊंगा, अभी मुझे ना इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही कि बर्गर खाऊँ। तो मैं यहाँ पर बैठ के खा रही थी और साथ में चाय मैंने बनाई थी, तो हम दोनों बैठ के जो है वो चाय पी रहे थे।
और बर्गर नो डाउट बहुत मज़े का था, ये डबल कबाब वाला बर्गर था और मुझे तो बहुत ही मज़े का लगा। सही लोग बोलते हैं, सही तारीफ़ करते हैं लोग इसकी। उसके बाद ही हम गए थे दानियल की बड़ी फुप्पो के घर, तो वहाँ पर ये मेरे ख्याल सिलेक्शन वगैरह तो इतना सजा हुआ था और इतना अच्छा कोई मतलब जुलूस वगैरह हो रहा था, बहुत रौनक थी। और ये कोई रात के 12 बज रहे। और फिर हम लोग गए थे घूमने फिरने के लिए, तो वापसी आते हुए हमें लग गई भूख, और मतलब भूख क्या खा पी के निकले थे, बट वापस आते हुए बस ये होगा चलो कुछ खा लेते हैं। सोचा था कुछ नहीं खुला हुआ होगा क्योंकि ऑफ कोर्स 8 बजे लॉकडाउन लग जाता है, बट ये कराची है तो यहाँ पे तो बंद होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर हम लोग आ गए साबिर निहारी, और बहुत मशहूर निहारी है, हमने बहुत तारीफ़ सुनी थी इसकी। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ पर, तो फिर मैंने ट्राई की निहारी यहाँ की। और अभी फ़िलहाल तो अंदर काफ़ी मतलब चीज़ें बंद कर चुके थे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रात हो गई थी, कोई आने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सब लेके जाने वाले थे अगर ज़्यादातर जो लोग आ भी रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई रश नहीं था, बट ये कि लोग आ रहे थे लेकिन ले लेके जा रहे थे, हम लोग कोई पहले या पहले ही होंगे जो इस वक्त ये आखिरी बोल रहे, पहले तो खैर नहीं, जो हम लोग इस वक्त आए थे और इस वक्त आकर जो है वो खा रहे थे बैठ कर। 1:30 या 2 बज रहे थे इस वक्त और हम लोग इस वक्त इंटर थे, हम बल्कि हमें सब देख रहे थे उल्टा कि इनको हुआ क्या इतनी रात को निकल के खाना खाने का। उसके बाद फिर दानियाल ने और बाबा ने ऑर्डर दिया, और यहाँ पे जो है वो नली निहारी भी होती है, यहाँ पर मगज़ निहारी भी होती है, यहाँ पर डबल नली निहारी भी होती है। तो दानियाल और बाबा ने जो है वो मंगवाई थी डबल नली निहारी, मगर ये कि ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, माशाल्लाह टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया खाना खाने में यहाँ पर। जाहिर है इतना मतलब थोड़ा सा बहुत तो जिस तरह आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा बहुत मतलब गंदा वगैरह होता है, बहुत गंदा नहीं है, ऐसा होता है कि ज़रा छोटा छोटा बना हुआ होता है और दीवारें वगैरह थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, बट इट्स ओके क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई 5-स्टार होटल तो है नहीं जो आप जो है हर चीज़ परफेक्ट वो आपको दें। और जगह ये बहुत गंदी नहीं थी, अच्छा बना हुआ था, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ख़राब हो या बैठा ना जा रहा हो या स्मेली हो, नहीं बिल्कुल ठीक बना हुआ था, अच्छा बना हुआ था। और वैसे टेस्ट वाइज भी बहुत ही मज़े का था, मुझे तो खैर पसंद आई, बहुत स्पाइसी भी नहीं थी कि खाया ना जाए, कि अक्सर जगह पर होता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें होती हैं जो खाई नहीं जाती, अगर ज़बरदस्ती आप खा रहे हो तो पेट ख़राब हो जाता है, बट यहाँ पर ये था कि अच्छा लगा मुझे हर चीज़ यहाँ की, मतलब वेटर वगैरह भी बहुत अच्छे थे, बार बार आके पूछना करना तो बेस्ट था। निकली कुछ और थी बट उनको फिर हुआ कि नहीं चेंज कर दो हमारा ड्रेस, तो इसलिए फिर हमने चेंज कर दिया। देखो ये फायदा भाई कराची में रहने के कि रात के 12 बजे और 2 बजे आपको, और जबकि लॉकडाउन 8 बजे शुरू हो गया था। ये मुझे सऊदीया में थोड़ी अदीवा ने खाली पानी पिया, और मामा ने भी खाली पानी पिया। पानी भी नहीं पिया बोलिए, बताओ मामा ससुर संभालने में लगेंगे। और यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया था और हम अपने गाड़ी में बैठ गए थे घर जाने के लिए, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी तो ज़रा सुनसान था काफ़ी, यहाँ तो नहीं लेकिन मेन रोड सुनसान हो जाते हैं फिर, इतनी ज़्यादा हलचल नहीं होती। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक आप हमारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।